कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? सो गाइस, आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं उसी टाइप का आज हम स्टेटस क्रिएट करके आपको दिखाने वाले, जो कि कुछ ही दिनों में दिवाली आ रही थी, दिवाली के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके, और गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को शेयर भी आपके सारे दोस्तों में कर देना। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने को एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, उस ऐप का नाम है अलाइट मोशन, की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लेना। सो मैं अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप अलाइट मोशन ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे प्लस के साइड में एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है तो प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना और शेक इफेक्ट और बीट मार्क वाली प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और शेक इफेक्ट और बीट मार्क वाली प्रीसेट को अगर आपको अलाइट मोशन में इंपोर्ट करते नहीं आता तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, चैनल पर मैंने पहले से अपलोड कर दिया था शेक इफेक्ट और बीट मार्क वाली प्रीसेट को अलाइट मोशन में कैसे इंपोर्ट करते हैं करके। ओके, तो गाइस मैं फाइनली बीट मार्क को ओपन करके रखा हूँ, मैं ओपन कर लेना आपको भी। और यहाँ पर फोटोज एड करना है तो प्लस पर क्लिक कर देना, इमेज एंड वीडियो में जाना, व्यू एल पर क्लिक कर देना। और गाइस मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक PNG को सिलेक्ट कर लिया, उन PNG की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी तो ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लेना। ओके, तो इसे सिलेक्ट करने बाद ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन में जाना है, सॉरी गाइस यहाँ पे इस वाले एरो पे क्लिक करना, नेक्स्ट बिट तक ले आना है इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक कर देना तो आगे आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद फिर से सेकंड PNG सिलेक्ट करना है तो प्लस पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो में जाना, व्यू एल पे क्लिक कर देना। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेकंड PNG को सिलेक्ट कर लिया हूँ और प्लस पे क्लिक कर देना। ओके, सो इस तरह से फिर से इस वाले एरो पे क्लिक करना और नेक्स्ट बिट तक ये आ जाएगा, देन इस वाले PNG को भी यहाँ पे क्लिक करने से आगे आ जाएगी। ओके, सो इतना PNG को ऐड करना है यहाँ पे, दो PNG को, उसके बाद यहाँ पे अपने को फोटोज को ऐड करना है तो आपको सभी बिट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लेना। तो मैं एक फोटो आपको ऐड करके दिखाता हूँ, प्लस पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना, व्यू एल पे क्लिक कर देना है और फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो गाइस मैंने इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया, देन प्लस पे क्लिक कर देना है। फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना और फुल स्क्रीन कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो फुल स्क्रीन हो गई। और इस वाले एरो पे क्लिक करना, नेक्स्ट बिट तक आ जाएगा, देन आगे का जो पार्ट है रिमूव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना तो आगे से डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सभी फोटो ऐड कर लेना है, मैं आपको सभी फोटो एक साथ ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे बीट के हिसाब से सभी फोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो आपको भी यहाँ पे बीट लगे उन बीट के हिसाब से सभी फोटो ऐड कर लेना। ओके, बीट के हिसाब से फोटो ऐड करने बाद इनमें शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना, तो बेगाना और शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो यहाँ पे आपको इस तरह से कि तीन इफेक्ट मिलेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट वाला इफेक्ट देख सकते हो यहाँ पे कमिंग सून, तो इस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, थ्री डॉट में जाने में जैसे कॉपी इफेक्ट कर लेना। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं कॉपी इफेक्ट कर लिया हूँ, सो बेगाना है और बैग आने के बाद फिर से अपने को बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना और यहाँ पे जो कमिंग सून लिखा हो उस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में थ्री डॉट में जाना, इसे पेस्ट कर लेना। फिर से यहाँ पे देख सकते हो इधर यहाँ पे शुभ दीपावली इस तरह से एक PNG, तो PNG पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में थ्री डॉट में जाना, इसे पेस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है। फिर से बैग आना और फिर से शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन करना है और जो दूसरा सेकेंड नंबर का इफेक्ट होता है उस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में थ्री डॉट में जैसे भी कॉपी इफेक्ट कर लेना। ओके गाइस, सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैग आना और फिर से बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने को फोटोस में इफेक्ट को अप्लाई करना। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो सबसे छोटी लेंथ है फोटो की उन्हीं फोटो में यहाँ पे इस फोटो को अप्लाई, सॉरी इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में थ्री डॉट में इसे पेस्ट कर लेना है। सो फिर से नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, थ्री डॉट में इसे पेस्ट कर लेना है। सो फिर से इस वाली फोटो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट में जाना, इफेक्ट में जाना, पेस्ट कर लेना है, तो इफेक्ट लग जाएगा। गाइस आपको इतनी फोटो में ही इस वाले इफेक्ट को अप्लाई कर लेना, तो देख सकते हो मैंने आपके सामने अप्लाई कर दिया। तो और कुछ यहाँ पे इतना आ गया ना, जो मतलब कि सबसे छोटी बिट लगी और लेंथ है फोटो की उसी फोटो में इस वाले इफेक्ट को दूसरे इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो सभी फोटो में मैं कर लेता हूँ जल्दी से, आप भी कर लेना। ओके गाइस, तो और हाँ गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना और एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई कर लिया। अब फिर से बैग आना और फिर से शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन करना और जो तीसरे नंबर का इफेक्ट होता है उस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना और इसका इफेक्ट अपने को अब कॉपी कर लेना, तो मैंने कॉपी कर लिया। ओके, सो फिर से बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना, बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन करने बाद अब अपने को यहाँ पे इधर स्क्रॉल करना है और जो फोटो की लेंथ देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी
लंबी है उन्हीं फोटो में इस वाले इफेक्ट को अप्लाई करना। तो फोटो पे क्लिक करना, फोटो को डालो सब थ्री डी में से पेस्ट कर लें तो इफेक्ट जो अपना यहाँ पे लग जाएगा कुछ इस तरह से देख सकते हो। फिर से नेक्स्ट आगे आना है नेक्स्ट फोटो पे और इफेक्ट में जाना है थ्री डी में पेस्ट कर लेना। तो गाइस आपको अब जितनी फोटो बचे उन सभी फोटो में कर लेना है, तो मैं थोड़ा जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो गाइस वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो एडिटिंग देखने के लिए। और हाँ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मैं हिंदी सॉन्ग पे एडिटिंग करूँ या आदिवासी सॉन्ग पे। ओके सो आप जिस सॉन्ग पे कमेंट करोगे उसी सॉन्ग पे मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा। ओके तो गाइस अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं सभी फोटो में अप्लाई कर लेता हूँ। ओके तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो में इस इफेक्ट को अप्लाई कर लिया हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अपने को यहाँ पे अब थोड़ा इधर आगे आना, इधर स्क्रॉल करना है कुछ। यहाँ तक आने के बाद प्लस पे क्लिक करना, इमेजिन वीडियो में जाना, व्यू एल पे क्लिक करना और एक PNG सिलेक्ट कर लेना। तो उस PNG की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके सो इस PNG को सिलेक्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर वाला ऑप्शन में जाने के बाद इसे नीचे यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ओके गाइस तो देख सकते हो मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया हूँ, इतना एडजस्ट कर लेना आपको भी। और अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, इमेजिन वीडियो में जाना, वीवेल पे क्लिक करना और यहाँ पे एक PNG को ऐड कर लेना। तो उस PNG को मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, देन प्लस पे क्लिक कर देना है और फिर से मूव एंड ट्रांसफर वाला ऑप्शन में जाना और इस PNG को भी नीचे यहाँ पे ऐड अच्छे से एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। ओके तो मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया हूँ, कुछ इतना ही कर लेना। देन इतना करने के बाद अब अपने को एंड में आना है और इन फोटोस पे क्लिक करना और इसे एंड तक ले आना, शेडो को भी और इस फोटो को भी। तो देख सकते हो ये एंड तक आ चुका। अब अपना करने के बाद यहाँ पे एक वीडियो को ऐड करना। ओके तो प्लस पे क्लिक करना, इमेजिन वीडियो में जाना, वीवेल पे क्लिक कर देना, उस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक कर देना और मोड ट्रांसफर वाला ऑप्शन में जाना है और रोटेशन वाला ऑप्शन में इसे 90 डिग्री रोटेट कर लेना। ओके इस तरह से, देन ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन में जाना है तो इसे फुल स्क्रीन करना है और ये ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिट वाले ऑप्शन में जाना है, लाइट एंड में जाना है, इसे स्क्रीन कर लेना है। देन अपने को यहाँ पे आगे का पार्ट होता है रिमूव करने के लिए, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना वीडियो बन के रेडी हो चुका है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। ओके सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और सारे दोस्तों में शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।